तो हेलो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग सर्विसेज में अब हम देखने जा रहे हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है और बिल्डिंग सर्विसेज में या किसी बिल्डिंग के लिए, किसी स्ट्रक्चर के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या नेसेसरी लगती है, इन चीज़ों को आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में एसी भी कहते हैं, ज़्यादातर आपने अपने घरों में लगा हुआ देखा होगा। एसी बेसिकली क्या काम करता है, ये रिमूविंग करता है हीट, हीट को क्या कर देता है, हटा देता है, और कूलिंग को प्रोवाइड करता है। एक टेम्परेचर आपको कंट्रोल करके दे देता है, या आप इसमें अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन या एनिमल जो भी जिस भी चीज के लिए यूज किया जा रहा है वहां पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन सके। इस प्रोसेस के लिए हम क्या कहते हैं, इस काम के लिए हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज करते हैं, या एयर कंडीशनिंग को हम यूज करते हैं, एसी को हम लेते हैं, एसी को हम यूज में लाते हैं। डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों ही तरीके के पर्पज में इसे यूज किया जाता है, जैसे घरों में तो आप देखते ही हैं आपके बेडरूम में, हॉल में। लेकिन इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल देखें तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, इन सारी जगह पे भी आपको, और भी कई सारी जगह, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स जैसे कि, या फिर कोई स्कूल बिल्डिंग, कॉलेजेस, ऐसे स्ट्रक्चर में भी आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखने को मिलता है। कई जगह ये इंडिविजुअल होता है, जैसे आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी लगे हुए देखते हैं, और कॉमर्शियल में इसे सेंट्रलाइज यूज किया जाता है। तो आपको एक कंफर्टेबल फील करवा सके, जिसके लिए हम क्या किस चीज को यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एसी को यूज कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली कूल करने का काम कर रहा है। इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसको आपको, अगर वो ज्यादा है तो उसे आपको कम करके दे रहा है। गर्मियों के दिनों में ज्यादातर आप इसको उपयोग में लेके आते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है वो हीट को प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से ही क्या करता है, बाहर कर देता है। अच्छा, कई बार इसको यूज किया जाता है, जैसे कॉमर्शियल में हमने थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, इनमें तो देखा ही देखा। लेकिन ऐसी कई जगह जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसी का यूज करेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें कैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या किन चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे कंप्यूटर सर्वर रूम होता है, जहां कंप्यूटर का सर्वर पूरा लगा हुआ है, वहां अगर आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना है या वहां बहुत ज्यादा हीट हो रही है, आपको कूल करना है, तो वहां आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, लगा देंगे, जिससे वहां का टेम्परेचर मेंटेन हो पाए फॉर द मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनकी सप्लाई को बनाए रखने के लिए। पावरफुल एम्पलीफायर होते हैं, कुछ पावर एम्पलीफायर्स होते हैं जो साउंड्स में यूज करे जाते हैं, उनमें काफी ज्यादा हीट हो रही होती है। कई बार अगर इसको एक साधारण तौर पे देख लें तो आपके लैपटॉप के नीचे फैन लगा हुआ था, फैन भी क्या काम कर रहा है, लैपटॉप को कूल कराने का काम कर रहा है ना। तो वैसे ही हम क्या कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो चैम्बर होते हैं या कैबिन्स होते हैं, उसमें भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम को। अच्छा, फ्रोजन के लिए या स्टोरेज के लिए भी कई बार हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अब जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो कैसे लगाया जाता है या किन जगह पे प्लान किया जाता है, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम मेक डीप प्लान बिल्डिंग फिजिबल फॉर अदरवाइज दे वुड हैव बिल्ट नैरो और लाइट वॉल इन द इनर स्पेस, रिसीव सफिशियंट आउटडोर एयर बाय द नेचुरल वेंटिलेशन। तो ऐसी पोजिशन पे हम इसको क्या कहते हैं, लगा देते हैं। आगे बात करें इसी में, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑल्सो अलाउ द बिल्डिंग टू बी टॉलर, सिंस विंड स्पीड इंक्रीज सफिशियंट विद द एल्टीट्यूड मेक नेचुरल वेंटिलेशन इम्पार्शियल अ वेरी टॉल स्ट्रक्चर। अगर कोई बड़ी इमारत है तो इस तरीके से हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, कंफर्ट एप्लीकेशन आर क्वाइट डिफरेंट फॉर द वेरियस बिल्डिंग टाइप्स में बी एज कैटेगराइज। जैसे अगर हम कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात करें तो कॉमर्शियल बिल्डिंग विच आर बिल्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पज या इंक्लूडिंग ऑफिस, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट। अगर हम बात करें कोई हाई राइज बिल्डिंग की, तो हाई राइज बिल्डिंग सच एज अ टॉल डोरमिट्रीज या अपार्टमेंट ब्लॉक, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थर्ड वन इज अ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वेयर थर्मल कम्फर्ट फॉर द वर्कर्स इज डिजायर्ड, कार, एयरक्राफ्ट, बोट, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर और
फ्रेश गुड्स, अगर आपका कोई सामान आना जाना है, जो जैसे हमने बात करी ना कि डीप फ्रोजन के लिए या स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, कई जगह आपके जो है स्टोरेज बने हुए होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी हम इसे यूज करने में लेके आते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जैसे कि हमने बात करी कि हॉस्पिटल हो सकता है आपका, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल, लो राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्मॉल स्ट्रक्चर जैसे सिंगलेक्स की बात कर लें, ड्यूप्लेक्स की बात कर लें, या स्मॉल अपार्टमेंट G+2, G+3। तो ये सारी जगह पे हम क्या करते हैं, इन सारी जगह पे आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। इनकी नीड्स अलग अलग हो सकती हैं, पर्पस अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही है कि आपका जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, उसे डाउन करके लेके आना, जिसके लिए हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज करते हैं। कहीं एक आध जगह ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में थ्योरिटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग्स और इन द सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो थैंक यू सो मच।